हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इनइक्वालिटी का टॉपिक। ये उसका सेट नंबर वन है। अगर हम प्रिलिम्स की बात करें तो प्रिलिम्स में इनइक्वालिटी और स्लॉग्स, या तो ऐसा होता है कि इसके पांच क्वेश्चंस आएंगे या फिर ऐसा होता है कि इसके पांच क्वेश्चंस आएंगे। मींस प्रिलिम्स में या तो इसके या फिर इसके क्वेश्चंस आना श्योर होता है। ठीक है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा लकी हुए तो इन दोनों के ही पांच पांच क्वेश्चंस आ जाते हैं, मींस टोटल 10 क्वेश्चंस। और अगर ऐसा हुआ तो आपका ये 10 क्वेश्चंस करना विद इन 6 to 7 मिनट्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है तो। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम इनइक्वालिटीज़ की बेस सीखते हैं कि इसका एक्चुअल में इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो हम आगे और सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको अगर मैं इसका बताऊं तो इसमें कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ठीक, किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्या होता है। ठीक है, इसका आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अच्छा अब देखिए अगर हम बात करें इसके आगे तो सबसे पहली चीज़ आपको जो सीखनी है वो सीखनी है प्रायोरिटी। मीन सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रायोरिटी से मतलब क्या है? कौन डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो जो भी ये सिंगल साइन होता है मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मीन्स सबसे पहले इसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद डबल साइन होते हैं उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है, और जो इक्वल टू का साइन होता है उसकी थर्ड प्रायोरिटी होती है। उसकी क्या होती है? थर्ड प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब क्या है एक बार को कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी। ठीक, तो ए और डी के बीच में अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो ए और डी के बीच में आपका रिलेशन क्या होगा? ए इज़ ग्रेटर देन डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और डी के बीच में जो सबसे बड़ा या फिर बोले जो सबसे पावरफुल वाला साइन है वो क्या है? ये सिंगल साइन। और ये किस तरफ खुल रहा है? ये खुल रहा है ए की तरफ। ठीक है, इसलिए ए इज़ ग्रेटर देन डी हमारा क्या होगा? ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ बी और डी के बीच का रिलेशन, बी और डी के बीच का रिलेशन देखूँ तो हमें क्या करना है? बी से आप डी की तरफ चलिए। अब देखिए कौन सा साइन पावरफुल है, वही इन दोनों के बीच में डोमिनेट करेगा। यहाँ पर कौन सा साइन पावरफुल है? ये वाला। तो मीन्स बी और डी के बीच में रिलेशन क्या होगा? बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको जो क्वेश्चंस करने होंगे उसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी होगी? सबसे पहली चीज़ आपको देखनी होगी क्या इसमें फ्लो है। फ्लो से मतलब क्या है? आपको सबसे पहले देखना है क्या इसमें फ्लो है। मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, फिर उनके कंक्लूजन्स पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? उनके कंक्लूजन्स। आपको कंक्लूजन्स चेक करने होंगे क्या ये सही है या फिर नहीं सही है। ठीक, किस तरीके से? आइए हम क्वेश्चन करते हैं और उन्हीं में सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए, पहला क्वेश्चन गिवन है ये, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, सी इज़ ग्रेटर देन डी, डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई।
ठीक, ये चीज़ हमें गिवन है। अच्छा, अब हमारा क्या ध्यान जाना चाहिए? हमारा ध्यान जान दीजिए कंक्लूजन्स पे। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन बोल रहा है बी इज़ ग्रेटर देन ई। हमें बताना है क्या ये सही है या फिर गलत है। क्या क्या ये सही है या फिर गलत है, देखते हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पर बनाता हूँ। ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। हमें क्या रिलेशन बताना है? बी और ई के बीच में रिलेशन, ठीक है। इसमें गिवन क्या है? ये। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बी और ई के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है? फ्लो। फ्लो का क्या मतलब क्या है? क्या इसके बीच में जितने भी साइन हैं उन सबका मुंह एक तरफ खुला हुआ है? इसका मतलब होता है फ्लो। यहाँ देखिए, ये है इक्वल टू, इसका तो कहीं कोई मुंह खुला ही नहीं है, इससे कोई मतलब भी नहीं है। सी और डी के बीच में देखें तो इसकी तरफ कौन सा मुंह खुला हुआ है? सी की तरफ मुंह खुला हुआ है। अच्छा, इस अगर हम डी और ई के बीच में देखें तो इस तरफ मुंह खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये एक फ्लो में है। ये क्या है? एक फ्लो में है। अगर ये कुछ इस तरीके से होता, सी इज़ ग्रेटर देन डी और ये होता लेस देन इक्वल टू ई, तो इन दोनों के बीच में फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ खुला हुआ है और ये इस तरफ खुला हुआ है। फ्लो का मतलब क्या होता है? कि सेम डायरेक्शन में खुला होना, ठीक, सेम डायरेक्शन में खुला होना। ओके, तो देखिए बी और ई के बीच में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? फ्लो। फ्लो है, ठीक। अब हम क्या चेक करेंगे? कौन सा साइन डोमिनेट करेगा, कौन सा साइन डोमिनेट करेगा। तो इन तीनों के बीच में देखिए, एक तो ये साइन है, एक ये साइन है और एक ये साइन है। हमने अभी सीखा था क्या, जो सिंगल साइन होते हैं वो पावरफुल होते हैं, मीन्स ये वाला साइन डोमिनेट करेगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो एकदम सही है, पहला वाला एकदम सही है। ओके, सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू डी। अच्छा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू डी, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्या ए और डी के बीच में एक फ्लो है? ए और डी के बीच में एक फ्लो है। देखिए, ए ये रहा और डी ये रहा। अगर हम इन दोनों के बीच में चेक करें तो एक फ्लो नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए, ये इस तरफ खुला हुआ है और ये इस तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इनके बीच में एक फ्लो नहीं है, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब हमें यही पता चल गया, ये रॉन्ग है। क्या है? ये रॉन्ग है। ये पहला क्वेश्चन मैं काफ़ी स्लोली करवा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो आराम से हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है? फ्लो, ठीक। उसके बाद हमें चेक करना है कौन सा साइन डोमिनेट करेगा, किस साइन का चलेगा, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, ठीक है। वैसे ही पहला वाला स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसमें कंक्लूजन्स अलग हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या गिवन है? ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अच्छा, ए और सी के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो इसको मैं पहले तो यहाँ लिखता हूँ। देखिए, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू ई। ओके, ए और सी के बीच में अगर हम देखें तो फ्लो है। हाँ, फ्लो है, ये एक तरफ को खुल रहा है, ठीक है। ए और सी के बीच में फ्लो तो है। दूसरी चीज़ अब हम चेक करेंगे कि इसमें पावरफुल साइन कौन से हैं, इन दोनों में पावरफुल साइन कौन सा है। ये वाला पावरफुल साइन है, इसका मतलब इसका चलेगा, और यहाँ अगर हम देखें तो यही साइन काम कर रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है किसकी तरफ? ई और सी के बीच में। किसके हैं? ई और सी के बीच में। तो अगर मैं इसको देखूँ, देखिए यहाँ अगर हम देखें तो ये रहा ई और ये रहा सी, ठीक है। क्या ई और सी के बीच में एक फ्लो है, मीन्स एक साइड को ही क्या मुंह खुले हुए हैं? हाँ, ये देखिए, ये इस तरफ खुला हुआ है और ये भी इस तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब सही है, एक फ्लो में तो है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इसके बीच में हमें चेक करना है कौन सा साइन डोमिनेट करेगा। ये देखिए, ये हमारा सिंगल साइन है और ये हमारा डबल साइन है, तो हमारा साइन कौन सा डोमिनेट करेगा? ये वाला साइन। और ये किस तरफ मुंह खोला हुआ है? सी की तरफ मुंह खोला हुआ है। इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, सी इज ग्रेटर देन ई, ये रिलेशन बनेगा इनके बीच में। अगर हम यहाँ देखें तो वही चीज़ है,
ये भी तो वही लिखा हुआ है, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, आई होप आप लोगों को धीरे धीरे आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये कंक्लूजन्स हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ पहले, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इक्वल टू ई एंड लेस देन इक्वल टू एफ। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ओके, सबसे पहली चीज़ क्या, हमें ए और डी के बीच में चेक करना होगा, क्या एक फ्लो है, एक तरफ को मुंह खुले हुए हैं, हाँ ये देखिए इस तरफ ठीक है, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे तो ए और डी के बीच में पावरफुल साइन कौन सा है, ए और डी के बीच में पावरफुल साइन कौन सा है, ये वाले पावरफुल साइन है ना, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी कंक्लूजन गिवन है, वो हमारा ट्रू है। ओके, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, बी इज इक्वल टू ई, क्या दिया हुआ है सेकंड कंक्लूजन, बी इक्वल है किसके, ई के, बी और ई का अगर हम देखें तो देखिए बी ये रहा और ई ये रहा, सबसे पहले चीज़ चेक करते हैं, एक फ्लो में है, हाँ एक फ्लो में है, अब इनके बीच में पावरफुल साइन कौन सा है, पावरफुल साइन है हमारा बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये हमारा रिलेशन बनेगा, इसका मतलब ये जो गिवन है वो हमारा रॉन्ग है, वो क्या है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अगर इसके बीच में ये चीज़ होती तो वो ट्रू होता, बट ये रिलेशन रॉन्ग है हमारा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यही सेम हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, पहला कंक्लूजन क्या गिवन है, ए इज लेस देन एफ, सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है, ए और ए एफ के बीच में क्या एक फ्लो है, नहीं एक फ्लो नहीं है, ये देखिए ये तो सब एक तरफ खुल रहे हैं लेकिन ये दूसरी तरफ मूव करा हुआ है, इसका मतलब एक फ्लो नहीं है तो हम आगे ही प्रोसीड नहीं करेंगे, पहला यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम चेक करेंगे किस किस के बीच में, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में चेक करेंगे तो सी और ई के बीच में अगर मैं देखूं तो एक फ्लो है, हाँ एक फ्लो है। ठीक, और कौन सा साइन डोमिनेट करेगा, ये वाला साइन डोमिनेट करेगा और यही साइन है यहाँ पर, इसका मतलब सेकंड वाला ट्रू है हमारा, क्या है सेकंड वाला ट्रू है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, अब इसके आगे हम क्वेश्चंस कल करेंगे, आई होप जितना मैंने आपको सिखाया है उतना आपको समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।